डिफरेंशिएशन को समझने की। वैसे तो बेटा बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड कंसेप्ट है, बट क्योंकि आई जस्ट डोंट वांट टू मेक मैथ्स डिफिकल्ट फॉर जस्ट क्लास प्लस टू, अभी छोटे से बच्चे हो यार आप, तो मैं नहीं चाहता कि आपको जो बड़ी लंबी संबी डेफिनेशन है वो करवाई जाए। वैसे जो समझना चाहते हैं उनके लिए मैं अलग से वो वाली वीडियो भी बना दूंगा। तो बेटा ऐसा है कि एक्सरसाइज 5.2 को जो सॉल्व करने के लिए बेसिक फार्मूला चाहिए उन्हें हम एक बार रिवाइज करते हैं। वैसे तो बेटा आपने ये सारे फार्मूले ऑलरेडी पढ़े हुए हैं प्लस वन में, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने बेटा रूल भी पढ़े होंगे, प्रोडक्ट रूल पढ़ा होगा, आपने डिवीजन रूल पढ़ा होगा, इवन चेन रूल पढ़ा होगा, बट मुझे पता है आप बहुत होनहार हो, भूल गए होगे, तो दोबारा से मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। सो अगर वो कहता है y इज इक्वल टू x की रेस्ट टू पावर n है, जहां पे n को बेटा कॉन्स्टेंट लिया है, क्या लिया है कॉन्स्टेंट, वेरिएबल नहीं है कॉन्स्टेंट है, n इज टेकन टू बी कॉन्स्टेंट। अगर x की वैल्यू x की रेस्ट टू पावर n है और n कोई कॉन्स्टेंट है, तो आपने क्या करना है n की वैल्यू आगे लिख देनी है और x की रेस्ट टू पावर n माइनस वन लगा देनी है। इसकी एग्जांपल हम इधर सॉल्व करेंगे। अगर y इज इक्वल टू x की रेस्ट टू पावर है 5, y इज इक्वल टू x की रेस्ट टू पावर है 5, देन dy बाय dx विल बी इक्वल टू 5x की रेस्ट टू पावर 5 माइनस वन इज 4। समझ लग गई आपको? साथ साथ में फॉर्मूला बताऊंगा, साथ साथ में उसको अप्लाई करना सिखाऊंगा। अब जैसे ये log x है, तो y इज इक्वल टू log x अगर हो तो कुछ नहीं करना है, x को डिनोमिनेटर में ले जाना, तो dy बाय dx की वैल्यू सीधी किसके बराबर आ जाएगी, 1 बाय x e की रेस्ट टू पावर x की डिफरेंशिएशन हो इंटीग्रेशन हो दोनों e की रेस्ट टू पावर x से रहती है, सो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। e की रेस्ट टू पावर x है तो डायरेक्टली उसको लगा देगा e की रेस्ट टू पावर x। अब a है हमारे पास कोई वेरिएबल या कोई कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की रेस्ट टू पावर एक वेरिएबल में है, तो वेरिएबल की जब बात आए तो इससे इसको सॉल्व करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर y की वैल्यू है 5 की रेस्ट टू पावर x, तो इसको सॉल्व करना है तो सीधा फार्मूला आपको लगाना है, विच इज इक्वल टू 5 की रेस्ट टू पावर x इनटू log 5। सिंपल, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो है उसको एज इट इज लिख दो, जो कांस्टेंट है उसका log लगा दो, ठीक है। अब x की वैल्यू जो है, अब जैसे y की वैल्यू साइन है तो साइन की डिफरेंशिएशन होती है cos, अब y इज इक्वल टू cos है, cos की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन, और tan है, tan की डिफरेंशिएशन होती है secant square x, cot जो है cot की डिफरेंशिएशन होती है माइनस cosecant square x, y अगर secant x है तो इसकी डिफरेंशिएशन होती है secant x tan x, और लास्ट ये मेरा फेवरेट है इसलिए इसको साइड पे लिखा है, y is equal to cosecant x is equal to dy by dx of cosecant x cot x। बेटा एक इसके अंदर पैटर्न है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी ये c वाले हैं, बेटा सी का मतलब गलत मत समझना, सी का मतलब वेरिएबल का, मतलब अल्फाबेट का नाम ले रहा हूँ, कि जो सी है जितने भी सी हैं उनमें ही नेगेटिव लग रहा है, ध्यान से देखो, बाकी किसी में नेगेटिव नहीं लग रहा। सो आपको पता है कि नेगेटिव लोग जो है वो कुछ नहीं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम इसके बारे में बात करेंगे कि जितने सी वाले यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी डिफरेंशिएशन जो है वो नेगेटिव में जाने वाली। सो इसको अगर हम और ज्यादा एक्सप्लेनेशन में करना चाहते हैं तो बेटा मैं दो चीजें या तीन चीजें आपको यहाँ पे और सिखाऊंगा, उसको ध्यान से सीखनी है तभी हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ सकेंगे। पहली चीज वो है हमारा प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, जो मुझे पता है आपको पता है, प्रोडक्ट रूल जो है वो सबसे आसान रूल माना जाता है कि अगर आपके पास y की वैल्यू जो है वो दो x के फंक्शन में है, यानी कि u इंटू v में, तो dy बाय dx के अंदर आप क्या करोगे, पहले u की डिफरेंशिएशन करोगे, फिर v एज इट इज प्लस, फिर u को एज इट इज रहने दोगे और डिफरेंशिएशन करोगे किसकी, v, ठीक है। ये तो हो गया क्लियर। अब आपके पास एक होता है डिवाइड रूल, तो वो भी करवा देते हैं, हेडिंग या रेड पेन से चिल गया ना, तो रेड पेन से करेंगे डिवाइड रूल। डिवाइड रूल भी आपको पता है कि अगर y में हमारे पास u बाय v करके दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हो और दोनों x में हो, नीचे वाले का स्क्वायर करना है
पहले आप डिफरेंशिएशन करोगे u की, दोनों केसेस में पहले u की होगी, v एज इट इज माइनस फिर u एज इट इज, और डिफरेंशिएशन किसकी लगेगी, u की। बस एक बात ध्यान रखना कि जिस भी वेरिएबल से आप डिफरेंशिएशन इसकी करने जा रहे हो, जिस भी वेरिएबल के साथ, जैसे dy बाई dx कर रहे हो, तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में x हो, अगर यहाँ पे t है तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t जाएगी, बस ये चीज का आपने ध्यान रखना है। तो बेटा ऐसा है कि इसको आप कर लो स्क्रीनशॉट, सो दैट कि मैं आपको एक नेक्स्ट रूल बता सकूं। तो आई होप सो कि हमने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। और सबसे ही जबरदस्त रूल जो मुझे पसंद है वो होने वाला है, जिसको हम बोलते हैं चेन रूल। चेन, बेटा एक बात मेरी याद रखना, जो चेन रूल है ना उसका नाम ही चेन रूल है, काम नहीं है उसमें कोई चेन वाला। चेन का मतलब क्या होता है, कि एक दूसरे से जोड़ के रखना। बट बेटा हम एक दूसरे को निकाल निकाल के सॉल्व करेंगे, अभी देखना कैसे। जैसे कि मैं यहाँ पे आपके पास एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल लेता हूँ, साइन एक्स स्क्वायर। अब साइन एक्स स्क्वायर की वैल्यू को हमने करना है सॉल्व। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको साइन एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन पता है, मुझे तो नहीं पता, आपको पता हो सकती है, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, बट मैं आपको बताऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। मेरे को ये पता है कि अगर साइन एक्स होता तो उसकी डिफरेंशिएशन आपको ये पता है कि कॉस एक्स के बराबर है, ये तो पता है। अब उसमें एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर ने अपना डेरा जमा रखा है, तो आपने फिलहाल अपने दिमाग में कंसिडर कर लेना है कि ये जो एक्स स्क्वायर है इसको बाद में देखेंगे हम, पहले हम अपने साइन को निपटा लें। तो अगर आप साइन को निपटाओगे तो मेरे पास साइन की डिफरेंशिएशन आ जाएगी कॉस, और ये एज इट इज आ जाएगा। अब आपने अपना बाहर वाले के साथ निपट लिया, जो अंदर एक्स की जगह पे लगा था उसकी डिफरेंशिएशन आपने साथ में लगा दी, यानी कि जो वैल्यू हमारे पास एक्स की जगह लेगी उसकी डिफरेंशिएशन तो हम अच्छे से बाद में सॉल्व करके लगाएंगे। और x की रेस टू पावर n हो, यानी कि x का स्क्वायर हो, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, dy by dx इसके बराबर आएगा 2x 2 माइनस 1, यानी कि 2x के बराबर। तो वो 2x आपने साथ में लगा देना है, cos x स्क्वायर डॉट 2x। तो ये आपकी हो गई डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dy by dx। So, ये जो वैल्यू है बेटा इसको सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो बेटा ऐसी ही एक दो एग्जांपल्स में आपको और यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ चेन रूल वाली, सो दैट कि आपको चेन रूल जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। अभी अगर हम बात करें y इज इक्वल टू log cos x क्यूब की, तो अब सबसे पहले क्या लगा है log, अभी हमें डिफरेंशिएशन किसकी पता थी log x की, क्योंकि मुझे पता है कि log x की डिफरेंशिएशन किसके बराबर होती है dy by dx it is equal to 1 by x, यानी कि जो भी यहाँ पे x की जगह ले रहा है उसको ऐसे रहने दो, पहले तो डिफरेंशिएशन करो, तो आ जाएगा 1 by cos x cube। और ये जो आया है, जो जिसने x की जगह ली थी उसकी डिफरेंशिएशन हम साथ में लगा देंगे, वो आ जाएगी dy by dx of cos x cube। अब यहाँ पे फिर से पंगा पड़ गया, क्योंकि हमें तो डिफरेंशिएशन पता है cos x की, cos x cube की तो हमें डिफरेंशिएशन पता ही नहीं है। अब ये भी हमें पता है कि जो हमारे पास अगर y is equal to cos x है उसकी डिफरेंशिएशन किसके बराबर आती है, माइनस साइन x के बराबर। देखो सी है ना, तो इसलिए माइनस लगाना ही। सो अगर इसकी जगह पे हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy by dx will be equal to 1 by cos x cube, इसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी माइनस साइन x cube। अब यहाँ पे जो x था उसकी जगह पे यहाँ पे लगा था x cube, तो उसकी डिफरेंशिएशन साथ में लग जाएगी, वो हो जाएगा dy by dx of x क्यूब। मतलब जितनी देर तक आप एक सिंगल पॉइंट वेरिएबल की डिफरेंशिएशन पे नहीं पहुंचते तब तक आपने डिफरेंशिएशन करी जानी है। तो मुझे इसकी डिफरेंशिएशन डायरेक्ट पता है कि 3 आगे आ जाएगा और x की रेस टू पावर 3 माइनस 1 2 हो जाएगी, तो उसको मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी इजीनेस के लिए।
अगर मेरे पास यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हो तो 1 बाय कॉस एक्स क्यूब इंटू माइनस साइन एक्स क्यूब के साथ लग जाएगा टू 3x2, 3 आगे आ जाएगा ऊपर एक्स स्क्वायर से। तो बेटा ये होगी डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, और इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो अगर आपका मूड हो, ये मूड पे डिपेंडेंट है। तो माइनस आ गया तो साइन एक्स क्यूब बाय कॉस एक्स क्यूब बन गया, 3x2 आ गया। तो यू कैन राइट इट एज की डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो मेरे पास आ जाएगी माइनस टैन एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय मार्कर जो है ना एक बार दिक्कत करता है 3x2। इस तरीके से बेटा आप अपने जो चेन रूल है इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, और चेन रूल को सॉल्व करना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये थी सम बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट फर्स्ट 8 सम्स। तो बेटा ऐसा है कि मैं इन 8 सम्स में से 2 सम्स आपको या 3 सम्स ऐसा सॉल्व करके दिखाता हूँ, सो दैट कि आप बाकी के सम खुद सॉल्व करो और मुझे भेजो। राइट, तो पहले आपकी बुक में से खोल देते हैं ये एक्सरसाइज। सो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की हमारे पास एक्सरसाइज जो 5.2 है, इसका अगर मैं फर्स्ट सम यहाँ पे सॉल्व करूँ, तो फर्स्ट सम की यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है भैया? यहाँ पे स्टेटमेंट है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी कि बेटा आपको इसकी करनी है डिफरेंशिएशन फाइंड। तो डिफरेंशिएशन फाइंड आप कैसे करोगे? सबसे पहले तो आप y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 के बराबर ले लोगे। अब मेरे को ये पता है साइन की कॉस होती है, तो इसको बाद में देख लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स ये आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 के बराबर, और जो जिसने भी x की जगह ली थी उसकी डिफरेंशिएशन चेन रूल लगाने से आपको पता चल गई कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 के बराबर आएगा। तो यहां पे आपने लिख देना है बाय चेन रूल, बाय चेन रूल। अब इसकी डिफरेंशिएशन साथ में लगा दो तो आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू इसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी 2x प्लस 0, क्योंकि ये तो हमें पता ही है। ये बताना भूल गया था मैं, ये बेटा आप जरूर देख लो कि अगर डिफरेंशिएशन किसी कांस्टेंट की हो तो वो डायरेक्टली जीरो चले जाती है, ठीक है? इसकी डिफरेंशिएशन चले जाएगी जीरो, तो ये चीज आगे आ जाएगी, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इट विल बी इक्वल टू 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो बेटा ये था आपके पहले सम का आंसर, और अब डिफरेंशिएशन हमें ढूंढनी है। कुछ स्टेटमेंट ले लेते हैं अच्छी सी, दैट इज आपका सेवंथ सम। तो सेवंथ सम हम यहाँ पे सॉल्व करके बताते हैं आपको, बाकी तो सारे मेरे को इजी ही लग रहे हैं। सेवंथ सम जो है उसकी है हमारे पास दैट इज 2 अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। बेटा इसकी जो डिफरेंशिएशन है इसको समझना जरूरी है, एक बात मेरी याद रखना कि अगर y की वैल्यू अंडर रूट एक्स है तो पहले आपको y इज इक्वल टू एक्स की रेस टू पावर 1/2 सपोज करनी है। जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वो 1/2 आगे आ जाएगा, x की रेस टू पावर चले जाएगी 1/2 - 1। अब बेटा पूरी रोटी में से आधी रोटी जाएगी तो बचेगी आधी रोटी, मतलब पूरी 1 में से आधा चलेगा तो बचा आधा, पर वो बचेगा माइनस का नेगेटिव। तो इसको अगर आप देखोगे तो आ जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, और अगर ये वाली वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट लगाएं तो ये बहुत इजी बन जाएगा सेवन सम आपका। तो डी वाई बाई डी एक्स 2 का 2 रह जाएगा, डिफरेंशिएशन किसकी करनी है भैया? अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर की। तो अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ध्यान से देखिए, 2 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल आउट, और जो अंदर था
जिसने x की जगह ली हुई थी, यानी कि ये वाली वैल्यू, इसकी डिफरेंशिएशन साथ में लग जाएगी cot x स्क्वायर की, जिसको हम बोलते हैं चेन रूल। अब cot की डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखवाया था, cot की डिफरेंशिएशन होती है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या लगा हुआ है c, तो c बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना आपने। सो dy बाय dx 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ cot x स्क्वायर, यहां पे वैल्यू आएगी हमारी अब माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x स्क्वायर की, और जिसने x की वैल्यू यहां पे ली थी वो आ जाएगा हमारा अलग से x स्क्वायर। यानी कि अगर हम देखें तो dy बाय dx की वैल्यू हो जाएगी माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ cot x स्क्वायर इनटू 2 आगे आ जाएगा और x की रेस्ट टू पावर 1 रह जाएगी, तो इट विल बी 2x। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन 7। तो इस तरीके से बेटा आप सम्स को सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली, ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। सो सॉल्व 1 टू 8 सम्स। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो यू कैन कॉल मी एट 9023241122। बेटा ये वीडियो आप एक दिन बाद देख रहे हो, दो दिन बाद देख रहे हो, 10 साल बाद देख रहे हो, कोई बात नहीं, आप मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, इट्स माय परमानेंट नंबर। और अगर कोई दिक्कत आती है तो बेटा आई एम देयर फॉर यू, और यू कैन डाउनलोड अवर ऐप मार्शल इंस्टीट्यूट ऑन गूगल प्ले स्टोर। थैंक यू वेरी मच।